रवि जी। हेलो, हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। देखो, तुमको पूछना था, मैंने पहले पूछ लिया कि वरना तुम पूछते कि हाँ कैसे हो, क्या चल रहा है। तुम बताओ, सवाल पूछो सबसे पहले। सवाल सबसे पहला ये है कि आपकी यूएस ट्रिप कैसी रही? मेरी यूएस ट्रिप बहुत अच्छी रही, बहुत मजा आया। और मैं 2.5 साल बाद यूएस गया हूँ यार। मतलब मैं लास्ट गया था फरवरी 2020 में, फिर मार्च से आ गया लॉकडाउन और पूरा दुनिया भर में कोविड का पूरा सीन रहा। और अब 2.5 साल बाद गया हूँ, मैंने बहुत मजे किए। एपल हेडक्वार्टर्स में शॉपिंग करी है बहुत 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 सारी, मतलब एक्स्ट्रा बैग्स लेके आया हूँ। और आईफोन का तो देखो यार, जो पूरा फील था लॉन्च का 14 का, वो भी पूरा मजा उठाया है। तो या सो मच फन। और अभी तो बहुत सारे और यूएस ट्रिप्स होने वाले हैं मेरे। दैट्स ग्रेट, आई होप हम भी इंक्लूडेड हैं उसमें। पासपोर्ट बन गया तुम्हारा? मेरा तो बना हुआ है। अच्छा। मैं तो रेडी हूँ। चलो गाइस, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अभी ज्यादा खर्चे की बात नहीं करते हैं, सीधा बात करते हैं सवाल जवाब की। आपको मिलने वाले आपके सवालों का जवाब जो आपने पूछे थे बोलो गुरुजी हैशटैग लगाते हुए, जिनको पिक किया गया है। देखते हैं किसके सवाल के क्या जवाब मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे इंजा मामूल पूछ रहे हैं। ओके जी। हेलो गौरव भाई, सिंस BGMI इज बैंड इन इंडिया, सो इफ आई बाय अ न्यू आईफोन विल आई बी एबल टू डाउनलोड BGMI ऑन iOS बाय एनी चांस? नहीं मेरे भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि iOS के अंदर BGMI आपको मिल जाएगा एक आईफोन लेने के बाद, तो भाई उस उम्मीद में आईफोन बिल्कुल मत लो, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो बेटर है, मतलब आईफोन ले सकते हो ऑल इन ऑल, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड फोन। बट अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि BGMI चला पाऊंगा, तो ना, दुख की खबर है, बुरी खबर है, नहीं चला पाऊंगा। अगला सवाल सूरज पूछ रहे हैं। okay. भाई S20 FE 5G यूज कर रहा हूँ, बट उसमें इतना मजा नहीं आता। कोई बेस्ट ऑप्शन बता दो जो चाइनीज फोन ना हो और जिसके पास सब कुछ बेस्ट हो और स्क्रीन भी थोड़ी छोटी हो और 40,000 में आ जाए। मजा नहीं आ रहा है, नया चाहिए। यार देखो, सब कुछ बेस्ट तो उसके अंदर आपको नहीं मिल पाएगा, बट गूगल पिक्सल 6a इज अ वेरी गुड ऑप्शन। 40 मिल सकता है आपको बैंक ऑफर्स में लगाओगे तो, वरना 2-4 हज़ार थोड़ा सा ऊपर पड़ता है। इट्स अ वेरी गुड फोन, कॉम्पैक्ट फोन, गूगल का फोन है, नॉन चाइनीज है अगेन, और आपके लिए काफ़ी एडवांटेज रहेगा, छोटी स्क्रीन के साथ में मिलता है। बट हाँ, स्क्रीन 60 हर्ट्ज़ का है, वो एक मेजर कॉन है बोलूंगा, अदरवाइज इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग फोन, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हैप्पी पूछ रहे हैं। हैप्पी, यस, तो उनका क्वेश्चन ये है, नमस्कार गौरव भैया, अभी आईफोन 14 लॉन्च हो गया है तो 13 सीरीज लेना सही होगा? ओके। और आपको इस बार का एप्पल इवेंट कैसा लगा? लव यू गुरुजी, बिग फैन। यार एप्पल इवेंट का जो पूरा मजा हमने उठाया ना स्टीव जॉब्स थिएटर में, हैप्पी भाई, मतलब सब कुछ एकदम ऐसा हैप्पी हैप्पी हो गया था। जैसे टिम कुक यू नो एंटर करते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो बस वहां से जब शुरू होता है ना, बहुत ज़्यादा एक तगड़ा ही फील था। और मैं तो खैर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जो है वो भी लेके आने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा खास एक्सक्लूसिव वीडियो है गाइस बाय द वे। और जहाँ तक बात है आईफोन 14 लॉन्च हो गया तो 13 सीरीज़ का क्या सीन है? देखो, ले सकते हो, आपको देखना है कि आपका बजट क्या अलाउ करता है, आपको कौन सा फ़ोन लेना है, प्रो या नॉर्मल या क्या स्टोरेज वाला, बिकॉज 14 के सिर्फ आ जाने से 13 ख़राब नहीं हो गया। देखो मैं तो अभी भी अपना 13 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज जो नया वाला है उसको कस्टमाइज होकर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्टिल आई मीन आपको देखना है आपका बजट क्या है, किस प्राइस में मिल रहा है और कौन से फ़ोन की आप बात कर रहे हो। आईफोन में अच्छी बात यह, आपने एक बार लिया, 4 साल 5 साल भी चलता है, अपडेट्स मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक नया आते हैं, जैसे एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है ना, जैसे नया आया पुराने वाले की वैल्यू बचती नहीं है, बट आईफोन में ऐसा नहीं है, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अश्विन का है। हाय गुरुजी, कभी हमारा भी क्वेश्चन पिक करवा लिया करो दीदी से। इसलिए तुमने पिक किया ना पढ़ते ही, कि मतलब तुम्हारे ऊपर आरोप लग रहा था, चलो ठीक है। हाँ बिल्कुल, लव फ्रॉम प्रयागराज, आइए कभी संगम नगरी में। ओके, माय क्वेश्चन इज वेरी स्मॉल, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस अकॉर्डिंग टू यू ऑफ आईफोन 13 इन फ्लिपकार्ट BBD सेल, शुड आई बाय इन दिस रेंज? पहली बात तो भाई ये, मैं इलाहाबाद जो है वो आ चुका हूँ, मैं ऑल्दो एक ही बार आया था और ये बात है 2011 की। मैं वहाँ पे अपने इंडियन आर्मी के SSB के लिए गया था और संगम में वो नाव से बैठ के बीच में गए थे, मतलब मेरे को याद है पूरा एक्सपीरियंस। जहाँ तक बात है आईफोन 13 की BBD की प्राइस, देखो दिल तो कहता है कि 50,000 में आएगा, लेकिन दिमाग कहता है कि शायद 55,000 में आ सकता है, 55,000 आई थिंक आपको मिल सकता है 128 GB का आईफोन 13, ऐसी उम्मीद करते हैं, नॉट टू श्योर। और अगर आपको उस प्राइस पे मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड डील, आग बंद करके सीधा ले सकते हो आप इस फोन को। अगला सवाल राहुल पूछ रहे हैं। हेलो गुरुजी, इस बार लॉन्च हुए आईफोन्स में से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है और आप खरीदोगे तो कौन सा खरीदोगे? लव फ्रॉम रांची। यार अगेन मैं प्रो लाइनअप जो है वही मैं लूंगा, अब प्रो या प्रो मैक्स वो देखने की बात है, बिकॉज मैंने 12 सीरीज और 11 सीरीज के अंदर तो प्रो मैक्स को ही यूज़ किया था, और उससे पहले भी जो बड़े वाले फ़ोन होते थे ना अपना प्लस प्लस वाले, मैंने वही यूज़ किए हैं। 13 के अंदर मैं प्रो पे गया था, बिकॉज प्रो मैक्स बहुत ज़्यादा जैसे ज़्यादा बड़ा और बल्की हो जाता। इस बार के लिए अभी आई एम नॉट टू श्योर, हो सकता है 14 प्रो पे जाऊँ या हो सकता है प्रो मैक्स,
जो सिंपल वाले आईफोन से भाई वो तो देखो बहुत सारे हैं ही, लेकिन अगर हम बात करें कस्टमाइज्ड वाले की तो उसका फैसला लेना बाकी है और जैसे ही वो आएगा तो आपको वीडियो के मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निश्चित का है। हेलो सर, मैं 20,000 रुपए का स्मार्टफोन लेना चाहता हूँ। सारे स्मार्टफोन 6.5 इंचेस के ऊपर हैं, मुझे 6 इंचेस का फोन चाहिए, तो कौन सा स्मार्टफोन लेना अच्छा होगा? निश्चित भाई देखो, अनफॉर्चुनेटली अभी का जो सच है वो यही है कि आपको बड़े स्क्रीन के फ़ोन्स मिल रहे हैं और जो कुछ एक दो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वो तो आपको छोटे मिल जाते हैं, जैसे आईफोन वगैरह का साइज़ आपको 6 इंच का मिल जाता है, नो बट 20,000 के प्राइस में आई डोंट थिंक कि आपके लिए ऑप्शंस हैं। या तो आपको कोई सेकेंड हैंड फ़ोन लेना पड़ेगा या आपको कोई पुराना आईफोन लेना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आपको अगर एक नया फ़ोन चाहिए तो मिनिमम आपको वो 6.4 इंचेस का तो स्क्रीन मिलता ही मिलता है, मतलब ये एक सैड रियलिटी है, क्या कर सकते हैं। अगला सवाल रुद्र का है। हेलो टीजी, आपके हिसाब से iOS वर्सेस एंड्रॉइड में से कौन जीतेगा? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है। मैं देखो, मैं दोनों यूज़ करता हूँ, मेरे पास में एंड्रॉयड फ़ोन भी है और मेरा अपना आईफोन भी है। दोनों के ही बहुत ज़्यादा फैन बेसिस बने हैं, काफ़ी लोग अपने iOS को बेहतर मानते हैं, काफ़ी लोग एंड्रॉयड को बेहतर मानते हैं। अगर मुझे कोई एक पिक करना हो तो मैं iOS को पिक करूँगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये बोलना चाहूँगा कि दोनों के ही अपने अपने यू नो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, तो आपके यूजेज और आपके यू नो मेन किस टाइप का आपका कौन सा फ़ोन है क्या है बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। काफ़ी केसेस में iOS बहुत बेटर है, काफ़ी केसेस में एंड्रॉयड। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो थोड़ा सा हल्का सा इंक्लिनेशन है ज़्यादा वो iOS की तरफ है, मतलब ऐसा मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम जो मैं यूज़ करता हूँ डेली बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुषी पूछ रही है। नमस्ते सर, कैन BGMI गेस्ट अकाउंट शेयर पर्सनल डाटा टू अदर कंट्री, प्लीज पिक माय कमेंट। यार देखो, इट्स नॉट अबाउट गेस्ट अकाउंट या नॉर्मल अकाउंट आयुषी, कोई भी ऐप जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपने उसको बहुत सारी परमिशंस को ग्रांट किया होता है, वो बहुत सारी चीज़ें फ़ोन से उठाते हैं, डिवाइस आईडी, नेटवर्क, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, स्टोरेज, ये वो, मतलब यू नो 50 चीज़ें होती हैं, तो डजेंट मैटर यू नो लॉट की आपका गेस्ट अकाउंट है या नॉर्मल अकाउंट, बिकॉज देखो अगर आपका आपने लॉग इन करके प्रॉपर अपना अकाउंट बनाया तो वो आपका गेम की जो आपकी यू नो प्रोग्रेस वगैरह है उसको स्टोर कर रहा है, लेकिन अदरवाइज भी जब आप गेम खेलते हो कोई भी जहाँ पे किसी ऐप में मैं समझ लो जहाँ पे अकाउंट बनाने का ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे भी जो है वो डेटा काफ़ी ज़्यादा जो है वो निकाला जा सकता है, तो हमको इस बात को लेके यू नो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई देखो अगर गेस्ट अकाउंट से खेलेंगे तो डेटा नहीं जाएगा, जा तो तब भी सकता है, बिकॉज डिजिटल दुनिया में दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगला सवाल आपसे टेक्निकल इंडिया पूछ रहे हैं। आई लव टीजी फैमिली एंड टेक्नोलॉजी। ओके, क्या आपने आईफोन 13 प्रो मैक्स गिविंग की थी जो कि 5,000 डिलीवरी चार्ज कर रही थी? मेरे इंडिया के प्यारे टेक्निकल भाई और बाकी सभी टीजी फैमिली मेंबर्स से मैं कहना चाहूंगा, नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है YouTube के ऊपर। आपको आपके कमेंट का जवाब जो है वो मिलता है रैंडम, आपको जो है अपना यू नो मेरी प्रोफाइल पिक्चर वहाँ पे लगी होती है और बोलते हैं कि भैया आप विनर बन गए हो, टेलीग्राम की आईडी पे मैसेज कर दो। जब आप पूरी चैट करते हो तो वो बोलते हैं कि ये 2,000 का कुरियर, 3,000 का कुरियर, 5,000 का कुरियर। भाई नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है 2-3,000 रुपये के कुरियर चार्जेस कलेक्ट करने कहीं से भी, और मैं आपको ऐसे सीधा एक कमेंट के बदले में रिप्लाई करके नहीं बोलने वाला हूँ कि आप विनर बन गए हो। जितने भी गिव अवे कॉन्टेस्ट होते हैं उनके विनर्स को प्रॉपर ईमेल पर कॉन्टैक्ट किया जाता है मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी से, उसके बाद हम बात करते हैं, एंड विनर को कभी भी किसी भी टाइप का कोई डिलीवरी चार्ज देना नहीं होता है। All our scammers, ये बैठे हैं कि नाइजीरिया में और ये बस 2,000-3,000 जो है वो रुपए कमा रहे हैं ऐसे ही यूजर्स से, और ये यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं, आपको ऐसा बहुत सारे बाकी चैनल्स पे देखने को मिलेगा, रैंडम जो बॉट्स हैं वो ऐसा रिप्लाई करते हैं, तो प्लीज इस चक्कर में मत फंसना। मैंने आज तक आपसे एक रुपया भी नहीं लिया किस चीज का किसी भी टाइप के गिव अवे कॉन्टेस्ट में और आगे भी कभी नहीं लूंगा, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। और ये मेरे लिए ही नहीं, ये बाकी जितने यूट्यूबर्स हैं आई थिंक सबके लिए मैं सेम बातें बोल सकता हूँ, बिकॉज कोई भी ऐसा नहीं करेगा आपके साथ, तो यू हैव टू स्टे अलर्ट, यू हैव टू स्टे अवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन रचित पूछ रहे हैं। सर, नाउअडेज न्यूज इज कमिंग दैट वीवो इज लॉन्चिंग ड्रोन कैमरा फोन, सो सर इज दिस न्यूज फेक और रियल? वीवो का ड्रोन कैमरा फोन? यस, मतलब फोन जो है वैसे उड़ जाएगा, और वो कॉन्सेप्ट देखे हैं भाई हमने, एंड आई मीन इतना जल्दी नहीं हो सकता, तो टाइम लगेगा, मतलब आई नो हमने देखा है कि वो डिटैचेबल कैमरा है वो निकल गया वो हो गया ये सब, ड्रोन नहीं, हमने डिटैचेबल वाला देखा है कि कैमरा अलग कर दो आप ऐसा और अलग रख के फोटो खींच लो, तो ये चीज़ें फ्यूचर में हो सकती हैं, बट अभी इतना जल्दी होगा आई डोंट थिंक सो, आई डाउट। हमने तो वो भी देखा ना कि ऐसे आईफोन ऊपर से गिरता है नीचे, तो नीचे गिरने से पहले ही जो है वो पंखे लगे हैं वो निकल जाते हैं बाहर, वो उड़ा के फोन। दीज ऑल आर कॉन्सेप्ट्स यार, दीज ऑल आर कॉन्सेप्ट्स, ये किसी मूवी में हो सकता है, रियल लाइफ में ग्रेविटी और फिजिक्स जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करती है कई बार। अगला सवाल हर्ष का है। हेलो गुरुजी, आई वांट टू फोन अंडर 25,000, विच फोन वुड यू रेकमेंड, प्लीज स्किप ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, पोको, बाय द वे लव यू। बचा गया है पीछे हर्ष बचा है आपके लिए सैमसंग और बचा है आपके लिए मोटोरोला,
आप इन दोनों में से कोई फोन चूज कर सकते हैं। अच्छे फोन बनाते हैं कंपनीज, सैमसंग का फॉर एग्जांपल गैलेक्सी M53 वगैरह जो है वो काफी अच्छा फोन है, मोटोरोला जो है वो भी कुछ फोन नए नए लॉन्च कर चुका है, तो यू कैन पिक बिकॉज इसके अलावा आपको यूज में मिलेगा आईफोन वगैरह अगर आपसे बात करता हूँ, बट अगर आपको ब्रांड न्यू चाहिए तो यू कैन गो विद सैमसंग एंड मोटोरोला, दोनों ही काफी अच्छे फोन है। Next, Vivek is asking, what are the further improvements would you like to have with foldable phones for the next generation, especially from Samsung? Vivek bhai, ye Vivek Goswami hai kya? Dekha, naam yaad hai humko humare. Nahin sir, aap mera Mac hack kar rahe ho. Acha, nahin, Mac toh main hack kar hi raha hu, lekin main aise tumko batana chah raha hu, dekho indirectly ki mere ko yaad hai, but definitely yaad hai mere ko Vivek Goswami. Jahan tak baat hai tumhare jawab ki, to yaar dekho, Samsung ke phones mein folding phone use kar raha hu 2019 se, jab pehla fold aaya tha. To kaafi improvement Samsung ne kiye hain. आगे चल के जो मेरे को एक दो चीज़ें जो थोड़ी सी परेशान करती हैं वो ये कि जो नो फोल्ड के बाद में जो गैप रहता है ना, वो अगर गैप निकल जाए तो और बढ़िया लगेगा, अंदर अगर हमको क्रीज जो मिलती है अगर उससे निजात मिल जाए तो और अच्छा रहेगा, एंड जो फ़ोन है हल्का सा वाइड एस्पेक्ट रेशियो में अगर आए बाहर का डिस्प्ले तो बढ़िया होगा। इसके अलावा तो यार देखो, आई एम हैप्पी विद सैमसंग फोल्डिंग फोन्स एंड वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और हाँ, एक और मेन चीज़ कि एसपेन अगर इनबिल्ट आ जाए तो जैसे अपने नोट या उसमें होता है S22 अल्ट्रा में, वैसा अगर एसपेन निकल जाए अंदर से बाहर तो और मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जोएल का है। हाय गौरव भैया, आई एम रिक्वायर्ड टू बाय अ फोन इन 2022 अराउंड दिवाली। आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन नथिंग फोन 1 एंड आईफोन 11। प्लीज पिक माय क्वेश्चन एंड गाइड मी। माय प्रायोरिटीज आर 5G एंड कैमरा। स्टॉप राइट देयर। आईफोन 11 में 5G नहीं है मेरे भाई, तो आईफोन 11 लेके क्या करोगे? आपको अगर 5G चाहिए, आपकी अगर प्रायोरिटी 5G है, तो 5G केवल एप्पल के अंदर आईफोन 12 एंड ऑनवर्ड्स जो लॉन्च हुए फोन उसमें आया है, तो फिर तो नथिंग ही बचता है। तो जब आपको आगे लेने का टाइम आएगा तो गो फॉर नथिंग, आई थिंक इट्स अ गुड फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन शतादल पूछ रहे हैं आपसे। लव यू भैया, माय क्वेश्चंस आर, इज देयर एनी कार दैट यू वांट टू और प्लानिंग टू बाय? अच्छा, कार का यार अभी के लिए इस साल तो नहीं ऐसा मुझे लगता है, 2022 में तो नहीं, 2023 में बन सकता है प्लान, लेट्स सी, आई विल अपडेट यू और व्लॉग ही बना लेंगे, चलो। और उनका अगला सवाल है, व्हिच विल बी द बेस्ट ओवरऑल स्मार्टफोन अंडर और अराउंड 20K प्लानिंग टू बाय इन द बीबीडी सेल? लव यू फ्रॉम असम। यार बीबीडी सेल पे अगर आपको फोन लेना है तो यू कैन होल्ड ऑन, बिकॉज मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आ सकता हूँ सेल से जस्ट पहले, यू नो विद ऑल द डिटेल्स कि कौन से प्राइस ब्रैकेट में कौन सा फोन आपके लिए ठीक रहेगा। अभी के लिए बता पाना बहुत मुश्किल है बिकॉज सेल में थोड़ा टाइम है कि एग्जैक्टली कौन से फोन पे क्या ऑफर चल रहे होंगे, बट इफ यू कैन वेट तो आपको उस टाइम वीडियो पक्का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिया अनास का है। गौरव भाई, कभी तो क्वेश्चन पिक कर लिया करो प्लीज। ब्रो, इफ यू कंपेयर मोबाइल फोन एंड विंडो पीसीज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, व्हिच डिवाइस इज मोर सिक्योर, मोबाइल फोन और कंप्यूटर? प्लीज हेल्प। मोबाइल फोन, शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर, मोबाइल फोन। और कुछ है? नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन था। मोबाइल फोन एंड ऐसी होता क्या है ना कि विंडोज़ में आप 50 तरह के पेरिफेरल्स लगाते हो, 50 तरह की चीज़ें करते हो, कई बार जो है वो ट्राई करोगे कि कुछ आपको जो है ऑनलाइन कंटेंट मिल जाए कहीं से, यू नो अक्सर जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में जो है वो परेशानी हम क्रिएट कर लेते हैं। इतना बड़ा यूज़र बेस है विंडोज़ का, जहाँ पे लोग इतने ऑलरेडी टारगेटिंग करके बैठे हैं विंडोज़ सिस्टम्स के ऊपर, तो मोबाइल फ़ोन इज़ काइंड ऑफ मोर क्लोज्ड, और ये नहीं बोलूँगा कि ये कम्प्लीटली सिक्योर है, बट कम्पेयर टू विंडोज़ I feel like mobile phone जो आपको ज़्यादा secure होगा। Next question अनुराग पूछ रहे हैं। नमस्ते गुरुजी, आपके हिसाब से Dimensity ज़्यादा powerful है या Snapdragon? और Realme जैसी कंपनी सबसे ज़्यादा Dimensity ही क्यों use कर रही है? दोनों ही powerful हैं। You have to compare the kind of processor at the same level। MediaTek बहुत अच्छा काम कर रहा है, Qualcomm भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। Realme अक्सर मैंने देखा है कि जाती है Dimensity के साथ में, because जहाँ तक मुझे लगता है दे आर चीपर कंपेयर टू जो क्वालकॉम चार्ज करता है प्राइस अपने प्रोसेसर्स के लिए, और कहीं ना कहीं कम में ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करते हैं मीडियाटेक, और इसीलिए रियल भी बिकॉज वो एक नो ज़्यादातर कोशिश करती है कि एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन लेके आए, इसीलिए शायद वो चूज़ करती है मीडियाटेक को, ऐसा हमको लगता है। हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो जिग्नेश ने पूछा है। हेलो गौरव भैया, आपने हमें फर्स्ट क्लास फ्लाइट की जर्नी का व्लॉग दिखाया था, अब हमें फर्स्ट क्लास ट्रेन जर्नी का व्लॉग चाहिए। ठीक है, बिल्कुल लेके आते हैं आपके लिए जिग्नेश भाई, डोंट वरी, आपको फर्स्ट क्लास ट्रेन और बहुत सारे तरह तरह के जितने भी, मेरा एक प्लान था वैसे, ये दुबई में मेरा प्लान था करने का कि आपको एक ही व्लॉग में ना लैंड, सी और एयर तीनों का एक्सपीरियंस मिल जाए, मतलब घर से निकले बाय लैंड, एक जगह पे जाएं और वहाँ से यॉट में घूमें, और उसके बाद में जाएं एक प्लेन पे जो कि या हेलीकॉप्टर पे जो कि टेक ऑफ, प्लेन तो इनफैक्ट दुबई में जो सी प्लेन है वो पानी से टेक ऑफ करता है, पानी में लैंड करता है, वो एक ऑप्शन था, या फिर हेलीकॉप्टर से उड़ें और बाद में दोबारा घूम के वापस आएँ, तो मतलब ऐसा एक कॉम्बिनेशन इंडिया में भी काम कर सकते हैं, और इंडिया में इसके अलावा आपको ट्रेन का भी मैं ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर कहीं जाने का मौका मिला या अगर ब्लॉग के लिए जाना पड़ा तो जाएंगे और ज़रूर आपके लिए ब्लॉग लेके आएंगे।
दैट्स इट। यस ठीक है, तो इसी वीडियो के गाइस कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हो, ट्विटर पे आप ट्वीट कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।